Alright, so guys, welcome everybody for the gaming back in the game with a new video, baby. So finally, हमारे सर्वर में पोकर मतलब कि पोकर MP40 आ चुका है. तो चलो देखता हूँ वहाँ पे क्या क्या मिलता है, कौन सा वेरिएशन है. तो चलो देख लेता हूँ. सबसे पहले हम चले जाते हैं इनकलप्टर वाले सेक्शन में. तो इनकलप्टर में आया हुआ है. तो देखो भाई साहब, MP40 दिखने में तो एकदम कत्ते जहर लग रहा है. तो कैसा होगा इसका डैमेज वगैरह, रेट ऑफ फायर और मैगजीन यहाँ कैसा होगा, सब कुछ मैं आप लोगों का अच्छे से बता दूंगा. और मैं भी एक ना एक तो निकल के ही रहूँगा भाई. तो चलो एंटर करता हूँ इसके अंदर. तो चलो देख लेता हूँ क्या होता है. तो पहला वाला जो MP40 है आप देख सकते हो, ये येलो वाला MP40, इसका तो डैमेज डबल है और रेट ऑफ फायर मतलब कि एक एक प्लस किया गया है. रेट ऑफ फायर थोड़ा ज़्यादा है और डैमेज इसका डबल है, ठीक है. और रेंज थोड़ा कम किया गया है ताकि आप दूर तक नहीं मार पाओगे. और रेट ऑफ फायर मतलब आपका गोली जल्दी से बाहर निकलेगा, मतलब कि एकदम रपा रप चलेगा, ठीक है. उसके बाद जो ग्रीन वाला है, ठीक है, इंटरनल डायमंड है, उस पर देखो डैमेज डबल है, ठीक है. रेंज थोड़ा एक प्लस किया गया है, मतलब कि रेंज आपको ज़्यादा देगा ये. तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा यही अच्छा होगा ये ग्रीन वाला, ठीक है. तो ग्रीन वाला सबसे अच्छा होगा बिकॉज इसका डैमेज भी डबल है और रेंज भी थोड़ा ज़्यादातर ले लेगा, ठीक है. तो रीलोड स्पीड इसका थोड़ा कम है, मतलब कि रीलोड होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है. और पंकज भाई को मिल गया ये वाला रेड वाला, ठीक है. तो इस पर देखता हूँ क्या मिलता है. इसके डैमेज एक मतलब कि डैमेज एक बढ़ाया गया है और मैगजीन इसका छोटा किया गया है, मतलब कि गोली थोड़ा कम लेगा ये, मतलब कि थोड़ा कम अटेगा इसमें, थोड़ा कम जाए कम लेगा ये गोली. और क्या बात है, और एक्यूरेंसी इसका ज़्यादा है, डबल है, मतलब कि आप गोली इधर उधर नहीं करेगा, सीधा एनिमी के एम पे पड़ेगा, मतलब कि आप जहाँ पे एम करोगे वहाँ पे ही पड़ेगा, इधर उधर नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज इसका एक्यूरेंसी डबल है, ठीक है. और उसके बाद जो ग्रीन वाला ब्लू वाला है, ठीक है, उसका रेट ऑफ फायर ज़्यादा है और मैगजीन ज़्यादा है, ठीक है. ये तो मेरे ख्याल से घटिया है एकदम. तो आप लेना चाहते हो तो ले लो, ये दो इवोल्यूशन स्टोन में दे रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो आप, दो इवोल्यूशन स्टोन में दे रहा है और एक ब्लू पिन में, ठीक है. तो मेरे पास 400 डायमंड है, मैं तो टॉपअप वॉपअप करके एक ना एक खरीदूंगा भाई. तो देख सकते हो मेरे ख्याल से ये वाला उतना अच्छा नहीं, मेरे ख्याल से ये ब्लू वाला सबसे ग्रीन वाला सबसे अच्छा है. तो आप लोग अच्छा लग रहा है तो भाई ये ग्रीन वाला ले लो, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तो यही है, ठीक है. देख सकते हो क्योंकि इसमें डैमेज भी डबल है और रेंज भी इसका एक ज़्यादा है, ठीक है. रेंज भी इसका ज़्यादा है और डैमेज भी इसका डबल है, और मतलब कि ज़्यादा रेंज तर गोली चलेगा, ज़्यादा रेंज एनिमी चले गए तो भी. और रिलोड स्पीड इसका थोड़ा कम है, मतलब कि भाई थोड़ा दिक्कत होगा जो रिलोड होने में. तो रिलोड होते होते आप एक एनिमी को आराम से मार डालोगे, मेरा मुझे पता है, ठीक है. तो चलो भाई साहब, और कुछ नहीं, इतना ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था. तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर कमेंट कर दो, और जितने बंदे चैनल पे नए हो भाई सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है. तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.